हेलो फ्रेंड्स, मैं अमेजिंग यूट्यूबर आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं गेम आपके लिए लेके आई हूँ, इसको आप खेल सकते हैं अपनी चाइल्डहुड थीम किटी पार्टी में, बैक टू स्कूल किटी पार्टी में, या फिर किसी भी अदर थीम किटी पार्टी में। ये जो गेम है ये बर्थडे पार्टीज के लिए भी बहुत अच्छी है। ये एक 1 मिनट गेम है, तो आइए जानते हैं क्या है ये गेम। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नई पार्टी गेम, तंबोला गेम और थीम बेस्ड तंबोला टिकट्स के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस गेम को खेलने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है एक ऐसा गेम पेपर जिसमें कि मैंने ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको रैंडमली सेट कर दिया है। आप देखेंगे ये सीरियल में नहीं है, रैंडमली सेट किए गए हैं। उसके अलावा आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ तंबोला टोकन्स। ये वो चार्ट है जिसको कि होस्ट अपने पास रख सकता है, ये गेस्ट के लिए नहीं है। जो गेम को खेलेंगे उनको ये शो नहीं करना है, सिर्फ ये आपको शो करने के लिए है या होस्ट अपने पास रख सकता है इसको। इसमें जैसे कि हम देखेंगे जो ए है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड नंबर पे आता है, सी थर्ड नंबर पे आता है। ये इम्पॉर्टेंट थिंग है इस गेम को खेलने के लिए, वो कैसे आइए आगे जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस गेम को खेलना कैसे है। इस गेम को खेलने से पहले आपको जो टोकन्स हैं किसी पोटली में या बॉल में रख लेने हैं। इस गेम को सब प्लेयर्स टर्न बाय टर्न खेलेंगे, तो आपको एक ही गेम पेपर चाहिए, ये अल्फ़ाबेट्स का, जिसमें कि मैंने रैंडमली अल्फ़ाबेट्स सेट किए हुए हैं। अब जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, जैसे कि ये 1 मिनट गेम है, आप इसके लिए 2 मिनट्स भी दे सकते हैं। जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा तो जो मेंबर है, प्लेयर है, वो फटाफट से एक मुट्ठी भर के जो टोकन्स है वो निकालेगा और उनको टेबल के ऊपर रखेगा। अब जैसे कि प्लेयर ने टोकन्स निकाल लिए हैं और उसके बाद उसके पास जो भी 1 to 26 तक टोकन्स हैं वो हैं उसके लिए यूज़फुल। कुछ नंबर्स उसको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे नंबर्स उसके हाथ में आएंगे जो 26 के अबव होंगे। तो उसके लिए यूज़फुल सिर्फ वही नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 26 के बीच में हैं, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट्स भी 26 होते हैं। अब उसको क्या करना है, जो भी टोकन उसको लगता है कि 1 से 26 के बीच में है उसको उस अल्फ़ाबेट पे रखना है जिस नंबर पे वो अल्फ़ाबेट आता है। जैसे कि मान लीजिए उसके हाथ में आया 4, तो डी है जो वो 4 नंबर पे आता है, तो उसको फटाफट से उस टोकन को 4 के ऊपर रखना है। बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। अब नेक्स्ट है जैसे कि टोकन नंबर 34 उसके पास आया, वो उसके लिए यूजलेस है तो वो उसको साइड में रख देगा। ऐसे ही नेक्स्ट टोकन उसने उठाया, उसके पास आया टोकन नंबर 20। अब उसको ये सोचना है कि 20th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है और उसको वो 20 नंबर का टोकन उसी अल्फ़ाबेट पे रखना है। हो सकता है उसको फिंगर्स पे काउंट करना पड़े, तो ऐसे उसको 20 नंबर का टोकन उस अल्फ़ाबेट पे रखना है। नेक्स्ट जो टोकन है, हो सकता है उसके पास आ जाए 26, तो वो आएगा जेड पे। ऐसे ही जो भी उसके पास अल्फ़ाबेट्स जो हैं, सॉरी नंबर्स हैं 1 to 26 के बीच में आए हैं, उसको फटाफट से इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर सेट करने हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। इसमें दो तरीके की जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, कि उसके हाथ में 1 to 26 तक के कितने अल्फ़ाबेट्स आए, और सेकेंडली अगर आए हैं तो क्या उसने करेक्ट वे से जिस नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आता है उसको सेट किया है। और इस गेम का विनर वो प्लेयर होगा जो कि विद इन टाइम मैक्सिमम टोकन्स को अरेंज कर देगा अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। अगर आप ये ए टू जेड का गेम पेपर मेरे से चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, मैं बिल्कुल फ्री आपको ये सेंड कर दूँगी। और अगर आपको ये मेरा गेम आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्यूचर में इंटरेस्टिंग गेम्स के लिए, पार्टी गेम्स के लिए, थीम बेस्ड तंबोला टिकट्स के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें।